दबंग प्रवृत्ति के लोगों द्वारा जबरदस्ती मछली मारने का लगाया आरोप। खबर सिवान जिले के होशनगंज थाना क्षेत्र के बड़म टोला टड़िया के रहने वाले उमा शंकर पंडित ने असामाजिक तत्वों पर मछली मारने का आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि सार्वजनिक पोखरे में गांव वालों की मर्जी से मछली डाला हुआ था, जिसको आज गांव के कुछ दबंग प्रवृत्ति के लोगों के द्वारा जबरदस्ती मछली को मार लिया गया। हालांकि मैं लॉकडाउन की वजह से मुंबई में फंसा हुआ हूं। मुझे जब इस बात की जानकारी हुई तो स्थानीय थाने में कॉल किया और उनको इस बात की जानकारी दी। हुसैनगंज थाना के अधिकारी सीओ तो पहुंचे, लेकिन उन्होंने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की और दबंग प्रवृत्ति के लोग मछली मारकर अपने अपने घर लेकर चले गए। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि सिवान SP को भी इस बात की सूचना दी गई, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। सिवान के वरीय अधिकारियों से उन्होंने गुजारिश की है कि ठोस कार्रवाई करते हुए इंसाफ दिलाए। आपको बता दें कि बड़म में जबरदस्ती मछली मारने का आरोप वहां के निवासी ने लगाया है। मां शंकर पंडित है, मैं बड़म टोला टणिया का निवासी हूं। मैं गांव वालों की सहमति से पोखरी में मछली डाला था, तो गांव के ही 3 आदमी मुखियापति रविंद्र माझी, नितेश कुमार पंडित, प्रमोद कुमार यादव, तीनों आदमी ने जबरन मेरा मछली मार लिया। मैं लॉकडाउन के कारण हुए मुंबई में मैं फंसा हुआ हूँ। मेरे को सूचना मिलते ही मैं सिवान SP थाना प्रभारी को सूचना दिया, तो थाना प्रभारी पहुँचे समय पे, CO भी पहुँचे, BDO भी पहुँचे, लेकिन तीनों आदमी ने मछली भी लिया और पैसा भी लिया, कंप्रोमाइज करके मेरा मछली मार लिया। SP को सूचना दिया, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। सिवान वरिष्य अधिकारियों से गुजारिश है कि ठोस कार्रवाई करते हुए मुझे इंसाफ दिलाए।